2 सितंबर 2004 मैं आपको 2004 में लेकर इसलिए जा रहा हूं कि एक बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूं। उस दिन जबलपुर बंद था, लेकिन 25,000 कांग्रेसी केशव कुटी संघ मुख्यालय की तरफ बढ़ते जा रहे थे। उनके हाथों में तिरंगा था। उनका प्रण था कि वे केशव कुटी यानी संघ मुख्यालय में तिरंगा फहराएंगे। उसका नेतृत्व कर रहे थे उस वक्त के कांग्रेस अध्यक्ष पंडित राममूर्ति मिश्रा, जो इस वक्त बीजेपी के प्रमुख नेताओं में गिने जा रहे हैं। वे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन अतीत एक बार लौट के आता है और इस समय हर घर तिरंगा अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाया जा रहा है। इस वक्त भी सभी के हाथों में तिरंगा देखे जा रहे हैं, लेकिन उस समय विपक्ष की राजनीति में जिस तरह से आंदोलन करते हुए तिरंगा फहराया गया था केशव कुटी में, वो क्या दौर था और इस वक्त क्या दौर है, उन तमाम मसलों पर बात करने के लिए पंडित राममूर्ति मिश्रा हमारे साथ स्वयं मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। पंडित जी, उस वक्त का दौर विपक्ष की राजनीति में आप प्रखर होकर 25,000 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतर गए थे। जबलपुर पूरी तरह से थम चुका था, हाथों में तिरंगा था, अतीत पे आप याद करते हैं और संघ मुख्यालय की ओर आप बढ़ते जा रहे थे। क्या अनुभव थे आपके उस वक्त? उस समय में कांग्रेस का अध्यक्ष था जबलपुर शहर का। उस समय की परिस्थितियां आज की परिस्थितियों में बहुत अंतर है। उस समय मैं नेतृत्व कर रहा था कांग्रेस का, शहर का, जबलपुर का, आम आदमी का। उस समय हुगली कांड हुआ जिसमें हमारे सम्माननीय नेता, वर्तमान स्थिति में भारतीय जनता पार्टी में हूँ तो हमारे नेता हैं, उनको नेता में फायर ब्रांड नेता कहलाती थी। उस समय हुगली कांड में फंस जाने के कारण उनको इस्तीफा देना पड़ा था मध्य प्रदेश सरकार से मुख्यमंत्री के रूप में। उस समय की जो परिस्थितियाँ निर्मित हुई, उस समय राष्ट्रीय ध्वज को जिस तरह सम्माननीय उमा भारती जी ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, उसी बात को लेकर हमारा आंदोलन था कि सवाल ये उठता है परिस्थिति बस हम जब राष्ट्रीय ध्वज को अपनाते हैं जबलपुर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया नहीं जाता है, भगवा ध्वज फहराया जाता था। उस समय का कंसेप्ट कांग्रेस का था, कांग्रेस की विचारधारा थी, कांग्रेस की सोच थी। उस नज़रिए से मेरा वो आंदोलन था। उस आंदोलन में भी बहुत सफल हुआ। हमारे 20,000 कांग्रेस के साथी, हमारे मित्र कांग्रेस के कार्यकर्ता, नौजवान साथी, सब जनता, व्यापारी, सभी ने जबलपुर को बंद रखा था। 2 सितंबर 2004 की बात है। एक जनसैलाब उभरा। जनसैलाब में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता और संघ के नेताओं ने उस गंभीर परिस्थिति को समझा, सकारात्मक पक्ष को समझा, उस सकारात्मक पक्ष को स्वीकार करते हुए उन्होंने केशव कुटी में 5 लोगों को आने की बात कही, आइए हम सब मिलजुल कर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। हमारे 20-25,000 कार्यकर्ताओं के बीच में उस सैलाब को रोकना हमारे लिए बहुत कठिन था। प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था जिस तरह से घेराबंदी किया था, जिस तरह से संघ के लोगों ने अपनी खेमाबंदी तय की थी, उन्होंने वो एक विषम परिस्थितियों का नज़ारा था। लेकिन समय अनुकूल बना, संघ के लोग उसको स्वीकार किया बड़े आत्मीय ढंग से। उन्होंने बड़े आग्रह के साथ हमको साथ ले गए, हमारे 4-5 साथी भी गए वहाँ पर। सम्मानित भगवती धर वाजपेयी जी थे और उनके साथ भारतीय जनसंघ के जनसंघ के और अन्य नेता भी थे। बड़े सौहार्दपूर्ण में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, उसको मीडिया ने बहुत सराहा और पूरे देश के आज तक इंडिया टीवी सभी जगह बड़े बड़े चैनलों ने उसको स्थापित किया। वो हमारा आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था, जबलपुर पूर्णता बंद था। आज मिश्र जी, आज दौर बदला, अब दौर बदला। उस समय आप तिरंगा लेकर बढ़े थे और आज प्रधानमंत्री जी हर घर तिरंगा अभियान ही चला रहे हैं। आप उस दौर को भी याद कर रहे हैं और आज का दौर जो आप चाह रहे थे आज वही हो रहा है इस दौर में थी। इसको तो ठीक ही आ गया, मतलब आपकी जो विचारधारा थी वो तिरंगे की ही थी। मैं एक बात थोड़ा से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ।
भारतीय संस्कृति, भारतीय सनातन का जो एक कलर था वो भगवा कलर था, और संघ ने उसको एडाप्ट किया था, उसको स्वीकार किया था, उसको उस तहत राष्ट्रीय ध्वज के रूप में संघ फहराता था अपने मुख्यालय में। वो समय की परिस्थितियाँ अलग थी, जब संघ ने जो किया उस समय ठीक था, हमें कांग्रेस में था उसका विरोध किया, वो भी ठीक था। लेकिन आज की परिस्थितियों में अगर हम देखें, आज हमारे देश के सम्मानित नेता जो विश्व के नेता बन गए हैं, सम्मानित नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने आज उस सोच, उस नज़रिया को, देश की आज़ादी के उस प्रतीक को, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, जिसके आधार पर, जिस झंडे के आधार पर, जिस झंडे को हम आगे रख करके देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, आज उसके स्वाभिमान के लिए, उसके गौरव के लिए, उसके अस्तित्व की रक्षा के लिए सम्मानी मोदी जी ने जो अलग जगाई है, हर घर तिरंगा, ये एक महत्वपूर्ण संदेश पूरे देश में जा रहा है। अगर आप देख रहे होंगे, अभी शुरुआती दौर में आप देखिए, हर वर्ग के लोग सामाजिक स्तर पर, शासकीय स्तर पर, हर स्तर पर, प्राइवेट स्कूल, शासकीय कर्मचारी, अशासकीय कर्मचारी, सभी झंडा लेकर रैली के रूप में निकल रहे हैं। तिरंगा का जो स्वाभिमान है, उसकी रक्षा के लिए, उसके अस्तित्व के लिए, उसके स्वाभिमान के लिए, उसके गौरव के लिए सब राष्ट्रीय ध्वज हाथ में लेकर चल रहे हैं। लेकिन जो सम्मानी मोदी जी का सोच है, जो उनका नज़रिया है, जो उनका विजन है, जो पूरे देश को नहीं, विश्व को संदेश देना चाहते हैं, हमारे देश की एकता, अखंडता, सार्वभौमिकता की मजबूती के लिए, जिस आज़ादी के लिए तिरंगा को अपना एक सिंबल बना करके, झंडा बना करके, जिन शहीदों ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, उनको भी हम स्मरण करेंगे, उनके अस्तित्व को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। उनको त्याग बलिदान, उनके परिवार के लोगों का त्याग बलिदान हमारे लिए धरोहर है। राष्ट्रीय ध्वज के नाम पर उनको भी स्मरण करेंगे। ऐसे वीर एक देखा जाए तो राष्ट्रीय पर्व है अमृत महोत्सव का, जो ये 75 वर्ष आज़ादी के पूर्ण होने पर जो हम ये उत्सव मनाने जा रहे हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है, फख्र की बात है। अच्छा मिश्रा जी, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि परिवर्तन कैसे राजनीति का हो जाता है। एक संघ की शाखाओं में अब आप जाने लगे हैं, वर्तमान में देखा जाए कुछ आपकी फोटोग्राफी यहाँ पाए, उस दौरान आप वहाँ पर तिरंगा नहीं फहराया जा रहा था, संघ मुख्यालय में उसका विरोध स्वरूप आप गए, तिरंगा हाथ में लेकर गए। राजनीति का जब स्वरूप बदलता है, हम दल बदल लेते हैं, तो विचारधारा की लड़ाई कुछ बदल सी जाती है। देखिए, मौलिक रूप से सिद्धांत, हम जिस विधा में काम करते हैं, जिस पार्टी के सिद्धांत पर हम काम करते हैं, जो उसका एक विचारधारा होती है, जो उसका नाम होता है, जो उसके तौर तरीके होते हैं, जो कार्य पद्धति होती है, उसके अनुसार से हमें काम करना होता है। हम कांग्रेस में थे, कांग्रेस विचारधारा से जुड़े थे, कांग्रेस की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा राष्ट्रीय तौर पर देखा जाए तो एक चीज है, लेकिन हमारा लड़ने का तरीका अलग है, अपनी बात कहने का तरीका है, अपनी बात को प्रस्तुत करने का तरीका अलग अलग है। अगर हम आज राष्ट्रीय ध्वज की बात कर रहे हैं, तिरंगा हर घर में फहराने की बात कर रहे हैं, लहराने की बात कर रहे हैं, उसको ले जाने के हर हाथ में लेकर चलने की बात कर रहे हैं, तो सवाल ये उठता, आज कांग्रेस उस विधायक को विरोध कर रही है जिस तिरंगा को लेकर के हमने आज़ादी को पाया, क्या कारण है? जो कांग्रेस तिरंगा को लेकर के देश की आज़ादी को पाया, आज भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो शीर्ष नेता हमारे देश के तो हैं ही, और जो विश्व के नेता बन चुके हैं, अगर नरेंद्र मोदी जी ने ये आह्वान किया है कि हर घर तिरंगा, अगर इस मजबूत पक्ष को, राष्ट्रीय ध्वज को, वीर सेनानियों को जो अपना आत्मसमर्पण बलिदान देकर राष्ट्र के लिए आत्मसमर्पण किया, किसी के सामने नहीं, राष्ट्र के लिए आत्मसमर्पण था, बलिदान दिया, त्याग दिया, शरीर त्याग दिया, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, और देश के लिए अपने को मर मिटे, ऐसे वीर बहादुर शहीदों को हम याद करेंगे, उनके आने वाले समय पे आने वाली जनरेशन को हम एक बड़ा संदेश देंगे, हम किस रूप में आज़ादी को पाया है,
वैसे संघर्ष हमने किया, कितने लोगों ने बलिदान दिया। ये तिरंगे का अपना मान स्वाभिमान पे नहीं, उनका इतिहास, उनका गौरव, उनका त्याग हमारे सामने है। उस पक्ष को लेकर के आज हम राष्ट्रीय तिरंगा को लेकर चल रहे हैं कि जो हमारे सामने आज जीवित है, जिसको हम लेकर के सापेक्ष पक्ष में लेकर चल रहे हैं, मजबूती के साथ चल रहे हैं, उसी तिरंगे की हम बात कर रहे हैं कि हर घर तिरंगा, हर हाथ में तिरंगा, हर गली में तिरंगा, हर चौराहे पर तिरंगा, हर सड़क पर तिरंगा होना चाहिए। गांव हो, शहर हो, गली हो, कूचे हो, हर जगह हमारा तिरंगा लहराना चाहिए। ये हमारा अमृत महोत्सव का पर्व है, इसको हम शालीनता से मनाएं, गौरव के साथ मनाएं, हम अपने शौर्य को और बढ़ाएं कि हम देश के लिए समर्पित हैं। आने वाले समय में हम देश की रक्षा के लिए उसी तरह से, जिस तरह से हमारे वीर सेनानियों ने, वीर शहीदों ने अपना बलिदान दिया है, हम अपने देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार हैं। उसकी समृद्धता के लिए, उसकी मजबूती के लिए, उसकी स्थिरता के लिए, उसकी ताकत के लिए हम सदैव तैयार रहेंगे। तो भाव वही है 2004 वाले मिश्रा जी के जो इस वक्त में मिल रहे हैं, और इस वक्त वो जो पुराने भाव थे जागृत भी हो गए, दोनों का समन्वय हो गया, क्योंकि बीजेपी अब वही अभियान चला रही है जिस अभियान को लेकर 2004 में मिश्रा जी चले थे। जाहिर सी बात है, ऐसी विचारधारा की लड़ाई में लगातार नेतृत्वकर्ता बने हुए हैं पंडित राममूर्ति मिश्रा। कैमरा पर्सन संदीप मलवाई के साथ विवेक तिवारी, पंजाब केसरी टीवी, जबलपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।